एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? वेरी गुड मॉर्निंग। माथू छोड़ू और दो छू अना बक्कल कर। सुबह के बज रहे हैं 9:30 और हम तैयार हो गए। देखिए, तारापुर जाने के लिए दिव्या नहाने गया है, झांसी नहा कर निकली है। झांसी जा दूध आयो फटाफट, आज वेलू दूध आई थी मारू थे तो दूध आ गया है, क्योंकि दूध हाँ 9:30 बज गए तो कहाँ से जल्दी आएगा, अपने टाइम पर ही आया है, लेट हम हैं। हर बार ऐसा ही होता है, जितनी भी जल्दी कर दो घर के सारे काम करके निकलना, मतलब कि लेट ही हो जाता है। और बच्चे तो छोटे नहीं है कि उसको तैयार करो, पर उनकी हर एक चीज़ तैयार करो। सुबह सुबह दिव्या ने चाय, मैंने सारा प्लेटफॉर्म साफ कर दिया था, बिल्कुल एकदम क्लीन कर दिया था, गैस का चूल्हा सब कुछ, और उसने चाय धोड़ दी पूरे गैस पर, तो इतना दिमाग गर्म हो गया था मेरा। फिर वापस से साबुन से सब कुछ अच्छे से क्लीन किया, वो नहाने गया है और वो तो मैं बता चुकी हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हम जा रहे हैं तारापुर, तो बस बाल बाकी हैं कंघी करने के लिए। झांसी के बाल को मैं कंघी कर देती हूँ फटाफट से, और जल्दी से हम निकलते हैं क्योंकि यहाँ 10 बज चुके हैं यहाँ के। यहाँ दिव्या फटाफट निकल नहीं ने, इन लोगों को है ना नहाने जाते हैं ना तो इतनी देर हो जाती है, पता नहीं ये लोग बाथरूम में क्या करते हैं। और मुझे कभी देर नहीं होती है, ऐसे बाल वॉश करने होते हैं ना तब भी नहीं। चल फटाफट निकल आई है। हाँ तो तुम्हारा जितना टाइम मन नहीं लागतो, तू एक कल्ला के निकली मेरे मुंह के सामने तक रही है, तू एक कल्ला के निकली अना तारा करता अर्धा टाइम मा, अर्धा ना अर्धा टाइम मा 5 के 10 मिनट नी वच्चे नहीं नू बाहर निकली। जाने हवे अर्धो कलाक तो मारे क्यारे ना थाय बाथरूम मा, कोई दिवस नहीं थतो एम। એ હું બીજું કામ કરતી હોઉં, બાથરૂમ સાફ ને વાફ કરતી હોઉં તો વાર લાગે, બાકી તમારા જો નહીં, એ લોગ બાથરૂમ મેં પતા નહીં કોણ સી પૂજા કરને બેઠ જાતે ઘંટા કર દેતે હૈ। ચલ હેડ ફટાફટ, તો ચલો મેં ઝાંસી કો કંઘી કર લેતી હું પહેલે। તો દિવ્યભાઈ આ ગયા હે નહા કર, દેખો ભાઈ છે જો। તો દેખીએ દિવ્યભાઈ નહા કર તૈયાર હો ગયે હે, ઓર ઇસકો હે ના હેર કટિંગ કરવાને કા, તો પંખો બંધ કર દે, हेयर कटिंग करवाना बहुत ही वो लगता है, पता नहीं। तो मैंने बोला कि इस बार है ना लंबे लंबे बाल कर दें, क्योंकि छोटी वोटी बना लेंगे हम, तो आज देखते हैं तारापुर जाकर हेयर कटिंग करवाएंगे इसकी। और ये टी शर्ट, हाँ ना वो बीजी टी शर्ट ले लेस ना, टी शर्ट चेंज करना खानी। और ये नई टी शर्ट पहनी है, ये हमने ली थी डीमार्ट से, 200 रुपये के आसपास ही ये हमें मिली है, और बहुत ही सुंदर टी शर्ट है। तो आज संडे है, तो आज झांसी के भी बाल हमने वॉश किए हैं। ये है ना अपने आप बाल वॉश करती है ना, तो मुझे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता, और एक कब अपने आप बाल को वॉश कर लेती है मुझे पता भी नहीं चलता। तो मैंने उसको बोला कि अब है ना अपने आप से कभी भी हेयर वॉश मत करना, मुझे बोला ना उसके बाद हेयर वॉश करना, मैं कर लूंगी, क्योंकि बाल है ना इन लोगों से शैम्पू रह जाता होगा या कुछ भी अच्छे से वॉश नहीं होते होंगे, तो बाल है ना इतने वो हो जाते हैं ना झंड की तरह हो जाते हैं, झंड की तरह इतने ड्राई लगते हैं बाल, ऐसे लगते हैं कि कांटे हैं, बाल नहीं है। और देखो आज मैंने हेयर वॉश किया है तो जो बाल है इतने नर्म लग रहे हैं, तो इतना डिफरेंस होता है। सूझ है ना, ना तो मोटा करने लांबा करवा नहीं गमता की स्टाइल नहीं थी ना, तो आज शंभू मामा ने लेन जजे हूं कहू छु, आज रविवार छे तो रजा छे, तो शंभू मामा ने कही के मारा कान अंदर नाखी ना दे, नीचे से छुटारा घीना छे ने, એટલે तो ये बरणी को मैं ले जाती हूँ तारापुर, क्योंकि वहां से मैं लाई थी इसमें आचार भर के। तो बा ने कल मंगवाए थे ये नमकीन, ये मूंग है मसाले वाले, तो मूंग तो नहीं मंगवाए थे पर उसको ज़्यादा पसंद है, ये दाल मंगवाई थी मूंग की दाल, तो ये दो चीज़ें इसके अंदर ही भर देती हूँ। तो चलो एक तो रेडी हो गया, ये तारापुर ले जाना है। आ तैयार थे येलो हो हमारी चौपड़ी जो तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है। मम्मी,
तिजोरी के सामने मिरर के सामने खड़ा रहकर फोटो शूट कर रहा था। लाइव मस्त मस्त फोटा पड़ी आप जो मारो वीडियो बनावे तू मारो छे वीडियो ना बनना इस पर है ना ऐसे वीडियो मेरा बना लेता है फिर कुछ भी इफेक्ट डाल देता है। बंद कर दूध गरम थी गयू तारा मन तारा हवा चादर रही थी ना तार दूध गरम का बगाड़ी मारू। देखो कोई मास्क पहन कर ऐसे फोटो शूट करता है क्या लाए हेणू तारा फोटा पड़ी आलू नहीं पाड़ा मारो कोई जो नहीं पाड़ा मा फोटो मारी जोड़े ना पड़ाई सु तारो पोता नो एकला नो पाड़ू ना मां नहीं पाड़ा हूं जाते पाड़ी मास्क तो कर फोटो पड़वा माटे यो कछु नहीं भाई मां मास्क पहन पड़ा हो तो ऐसा पागल देखा है जो मास्क पहन कर ऐसे फोटो को हूं छे हां तू पहलो पागल ट्रेंड छे मास्क पहनना मां खे सकता तो मजा नहीं थी तो देखो ये दो चंपल मैं पहनूंगी और ये नई चंपल है और ये मैं लाई थी ये दोनों चंपल लाई थी मैं कहाँ से लाई थी डीमार्ट से लाई थी। और देखिए मक्खियाँ जैसे ये दरवाजा खुला रहता है ना देखो ये दरवाजा जैसे खुला रहता है तो मक्खियाँ घर में आ जाती हैं। तो चलो आज मुझे ये चंपलें निकालनी पड़ी क्योंकि जो पुरानी चंपल है वो यहाँ से आगे से टूट गई है तो इसको मैं ठीक करवाऊंगी। देखो उल्टी पड़ी तो पुरानी चंपल को ठीक करवा लूंगी मैं। अभी तारापुर से पप्पा का कॉल आया कि चलो निकलो क्योंकि मेहमान आए हैं मेरी दादी के भाई आए हैं शायद तो बोल रहे हैं जल्दी से निकलो वो आपकी राह देखकर बैठे हैं। मारा चंपल में पग ना नक करना और मैंने बाल कंघी नहीं किए हैं क्योंकि बहुत उलझे हुए हैं तो मैंने सोचा कि थोड़े से सूख जाए उसके बाद मैं कंघी करूँगी। सु करवा तू आई हूँ हाँ तो चल लॉक मार दे चल। तो चलो हम निकल रहे हैं और देखो ये मनी प्लांट ऐसे कैसे सूख गया पता नहीं है तो इसको आकर मैं ठीक कर लूँगी। चलना भाई तू लॉक मार सुनने में मजा आता है कंप्लीट चावी लॉक मारी चावी कर दे चावी नीचे आंटी ने जापी दे એટલે તે ના ચાવી આંટી ને આપી દે ઓલ દેસ માં ના લાઈ દે પાછાના દરવાજામાં બંધ ના રાખા હા આ લઈ લેવા પર્સ ને કશું રહ્યું છે લેવાનું બરણી લઈ ગઈ નીચે હા દિવ્યાની નોટ લઈ લીધી મારી નોટ લઈ બધાની નોટ લઈ લીધી બરણી બધું કમ્પ્લીટ લઈ લીધું ને ચલો દિવ્યા ભાઈ હજુ તમે તૈયાર નથી આ ડસ્ટબિન માં નાખ દો ન થઈ જાય શું મોડુ કપડું કે કાપ્યું ન થઈ જાય આ તો વાંધો નહીં ચલો હવે હવે તો થાય નહીં કા તમને તો મેરા બૂટ તો માજન 50 રૂપિયાનો બીજો કીધું પેપર લઈ લે મોટું આવે છે મને જન ચોખ્ખા તે જુગાના બૂટ આ તો અમારા સામે થોડુંક તો ગંદુ થાય જ તે ચલે ફટાફટ બૂટ એના હે મજા મળે છે ले आंटी ने चल चलो चलते हैं तो बस हम बैठ गए हैं सोसाइटी के बाहर निकलते हैं तो चलो मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाती हूँ कि हमारी सोसाइटी कितनी डेंजर हो जाते हैं जब बारिश होती है तब ये हमारी सोसाइटी कितनी भयंकर है और इसमें से जब एक्टिवा लेकर जाना हो ना तो सच में ऐसा होता है कि घर से बाहर ही मत निकलो। तो देखो तो फ्रेंड्स 11 बज चुके हैं और हम पहुंच गए हैं तारापुर। तो आज का व्लॉग यहां पर एंड करती हूं मिलते हैं कल के वीडियो में। तो चलिए जो भी होगा तारापुर जाके वो थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। और जिन लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो वीडियो वॉच करते हैं तो लाइक नहीं करते हैं तो लाइक भी कीजिएगा। तो देखिए आ गया है तारापुर ये तारापुर चौकड़ी है। तो चलिए मिलते हैं कल के व्लॉग में तब तक के लिए बाय कह दें।